चर्चा मैं अरुण जी से शुरू करती हूँ, क्योंकि अरुण जी आप मार्केट्स को फॉलो भी करते हैं और जो लीगल इसका एस्पेक्ट है वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो, अगर बिल्कुल आम आदमी की भाषा में मैं आपसे समझना चाहूं कि आज हिंडनबर्ग की ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये क्या चीज बेनकाब करती है, दो या तीन पॉइंट्स में अगर मैं आपको कहूं कि इसको समझाएं और बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में। जी, ये रिपोर्ट जो है ये दिखाती है कि कैसे माधुरी बुच जो सेबी की चेयरमैन है वो जो है उनका इन्वेस्टमेंट अडानी के कंपनी में था और उसको छिपाने के लिए एक हफ्ता पहले जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो उसको वो शेयर्स जो हैं उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए अपने हस्बैंड के नाम से, वो चिट्ठी उन्होंने लिखी, और वो फंड ऑफशोर में था IIFL इंडिया इन्फोलाइन वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू वो पैसा उसमें लगा था, तो उनको मालूम था कि ये अडानी में पैसा लगा है और इसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको वो नहीं डिस्क्लोज करने के लिए अपने हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब सवाल उठता है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ तो वो क्या अडानी ने करवाया, क्योंकि ऑलरेडी वो फंड को मैनेज तो कर ही रहा था, क्या वो संरक्षण देने, और इनको जो पोर्टफोलियो दिया गया वो था सुपरविजन एंड सर्वेलेंस, तो जो निगरानी रखने वाला पोर्टफोलियो दो वो केवल मेंबर थी, वैसे टॉप फोर पोजीशन चेयरमैन होते हैं और तीन मेंबर होते हैं नॉर्मली, तो ये मेंबर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बाहर से लिया जाता है। अब बाहर से लिया जाता है तो क्या सरकार ने ड्यू डिलीजेंस करी? आप कोई भी आदमी को अभी आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपॉइंट होता है तो कितने लोगों को तो इसी में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर वाले जज थे उनका अपॉइंटमेंट लोगों ने नहीं होने दिया बिकॉज ऑफ ड्यू डिलीजेंस लोढ़ा साहब के समय में गोपाल सुब्रमण्यम का। तो क्या आपने ड्यू डिलीजेंस किया, क्या आपने पूछा आपका कहाँ इन्वेस्टमेंट है क्या था, आपने कुछ नहीं देखा। तो इससे ये कंक्लूजन होता है कि उस समय जो चेयरमैन थे, और दूसरी बात इनका अपॉइंटमेंट यूके सिन्हा का जैसे ही टर्म खत्म हुआ एक महीने के बाद हुआ, उनका टर्म खत्म हुआ फरवरी में, इनका अपॉइंटमेंट हुआ मार्च में, और उसके एक हफ्ते पहले ट्रांसफर कर दिया गया। तो जो प्रति इससे जो क्रोनोलॉजी है उससे ये लगता है कि इनको इसीलिए लाया गया कि अडानी को स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन के, और बहुत मैनिपुलेट इनकी पूरे जो ये रिचेस्ट बने हैं ये केवल स्टॉक मार्केट के कारण बने हैं। जो भी आज नंबर 1, 2, 3 जो कहा जाता है रिचेस्ट, इलॉन मस्क हो या कोई भी हो, वो उनके स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन को, तो इनके जो जितने भी शेयर हैं ये 30 times, 20 times नॉर्मल मार्केट से ज़्यादा कोट होते हैं और उसको ये करा लेते हैं, तो इसलिए इनको पहले लाया गया, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जब हुआ तब भी नहीं बताया गया कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद जब ये लोग थे तो इन्होंने जो कानून था कि कौन कहाँ इन्वेस्ट करता है वो छुपाने के लिए जो PMLA एक्ट में जो संशोधन किया रूल्स में, उसी हिसाब से इन्होंने भी संशोधन कर लिया कि बाद में मेरे को कहने को हो जाए कि देखिए भाई हमको तो जो है आई हैव हिट अ वॉल, आई कांट मेक एनी प्रोग्रेस, और सुप्रीम कोर्ट भी कहे हाँ इन्होंने कोशिश कर ली ट्रस्टी और रेगुलेटर और मामला बंद हो जाए। तो ये जो पॉलिसी चेंजेस हुए और इनको जो लाया गया, और फिर जब ये चेयरमैन बनती हैं तो इनकी एक कंसल्टेंसी फर्म थी सिंगापुर में, उसको एक हफ्ते में उसके भी जो पार्टनरशिप थी उससे हट गए और इनके हस्बैंड केवल पार्टनर हो गए। और तीसरी बात जो आपने बताई कि इनके हस्बैंड जो ब्लैक स्टोन करके कंपनी है 1 trillion वाली, तो वो एक नए एरिया में एंटर कर रही थी। 2019 में उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था कैपिटल मार्केट का, वो जो है चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे हिंदुस्तान लिवर में, उसको जो है इस फर्म ने कंसल्टेंट या आप समझिए एडवाइजर बना दिया। किस लिए बनाया? कि सारी पॉलिसी जो है, और वो मेजर इन्वेस्टर थी, ये एक नए तरह का इन्वेस्टमेंट था जिसमें कि आप छोटे छोटे यूनिट्स में, जैसे आप शेयर मार्केट में करते हैं, आप रियल स्टेट में
उसको इन्वेस्ट कर सके, जिसका नाम था रीट, REIT, और इसको जो है बुच ने काफी प्रमोट किया, न्यू एसेट क्लास और ये, और जो रूल्स और रेगुलेशंस उसके बने उससे जो है जो इनको चाहिए थे ब्लैक स्टोन को उनके मुताबिक बने, और ऐसे दो या तीन फंड में जो इंडियन कंपनी के साथ इनका इन्वेस्टमेंट था। तो ठीक है, सारा दिखाता है कि ये कैपिटल मार्केट से लगे हुए थे, और इन्होंने क्योंकि एक बहुत बड़ा सस्पिशन है कि अडानी की अपॉइंटी थी, इसीलिए इन्होंने अडानी को बचाया। जी बिल्कुल। अब मैं वापस अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी, आप इस पूरी चीज पर आप इसको कैसे देखते हैं कि आगे अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तुरंत नहीं संज्ञान लेता, पार्लियामेंट खत्म हो चुकी है, पार्लियामेंट का प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है, आई एम श्योर विपक्ष के लोग उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब आगे इस मामले को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अगर मोदी सरकार अपने को क्लियर करना चाहती है तो उसके पास पावर है कि जो है सेबी चेयरमैन को, चेयरपर्सन को रिजाइन कर दें या हटा दें विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो जब इतना बड़ा घपला आ गया और जब लोग कह रहे हैं कि A1 है और A1 इज इक्वल टू मोदी और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट है, तो ये जो उनको पावर है, इनहेरेंट पावर चेयरमैन को रिप्लेस करने का, तो अगर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकला तो उनको जो है हटाना चाहिए, सबसे बड़ी बात। बहुत लोग हैं जो जानकार हैं, जो ईमानदारी से सेबी को चला सकते हैं, लेकिन उनको नहीं लाया जाता है, तो एक तो ये स्टेप लिया जा सकता है। ये उम्मीद करना कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेगा, ये आप भूल जाइए। अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कई बार बताते नहीं है, क्या मिश्रा जी ने कभी बताया कि मेरा क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? तो वो दूसरे का क्या वो देखेंगे? आज वो हालत बांग्लादेश वाली नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, सुओ मोटो कभी नहीं लिया जाएगा, स्पेशली जब एक मैटर को उन्होंने बंद कर दिया, तो ये होगा कि आप ही ने नहीं देखा। और लोगों ने बहुत कहा कि एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इन्वेस्टिगेट कराइए, तो उनको तो फुल कॉन्फिडेंस था, तो वहां भी कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल बात है। जो जो भी होगा, क्योंकि इनके जेब में आधे MP हैं ना कि जो वहां पर हल्ला करे, पूरी BJP तो है ही, और अपोजिशन में इनको लगता क्या है खरीदने में? अरे भाई, हम ही लोगों का पैसा है, बैंक का लिया हुआ है, हमारी जूती हमारे सर पे, तो उससे वो जो है वहां भी पार्लियामेंट। लेकिन अगर कांग्रेस में लीडरशिप हल्ला करेगी कि JPC करो, और ये नहीं कहे कि इन्वेस्टर का लॉस हुआ, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटेड है बहुत दिन से है, वो उसके वो जो क्राइटेरिया, ये नहीं होना चाहिए कि मैनिपुलेटेड है, ये होना चाहिए कि अडानी का शेयर मैनिपुलेटेड है, जो भी दाम है उसको स्टॉक मार्केट से मत जोड़िए कि बढ़ गया घट गया, तो आप कह रहे हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है पता करिए कितना लॉस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है कि पता करिए कि हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेल करके कितने पैसे कमाए। अरे, हिंदुस्तान ने पिछले 30 साल में एक हिंडनबर्ग नहीं देखा, किसी कैपिटलिस्ट की हिम्मत नहीं है बीट कंपनी बीट इंटरमीडियरी की सेबी के खिलाफ कुछ आवाज उठा पाए, तो ये तो आप भूल जाइए। वो आपको एक इतना बड़ा सर्विस दे रहा है, पूरा रिसर्च कर रहा है, और यहाँ जॉर्ज सोरोस, तो ये नेशनलिज्म क्या क्या इन्होंने उसमें लगा दिया, तो फिर ये जो राष्ट्रवाद का नहीं, तो अब क्या फिर से राष्ट्रवाद का नैरेटिव गढ़ा जाएगा आपको लगता है? आपको देखिए, आज तक ऐसा ऐसे आदमी को कभी भी, एक क्लोजेस्ट अपॉइंट किया था जो कैपिटल मार्केट से एसोसिएटेड था वो UK सिन्हा, जबकि उसको प्रोहिबिटेड था, तो उसने ESOP ले लिया था म्यूचुअल फंड में वो, और अपनी तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होके अपनी इंक्रीज कर लिए वो 3 करोड़ के, वो लेकिन उनको पूरा इन्वेस्टमेंट का आइडिया था कि कैसे पैसे घुमाए जाते हैं। ऐसे आदमी को आप अपॉइंट करते हैं जिनका कि हांगकांग वगैरह में बैंकिंग का बैकग्राउंड है, पैसे घुमाने का नॉलेज है, और वही वो काम कर रहा है, तो ये जो सबसे पहला इनसे सवाल सरकार को ये कहना है कि क्या गवर्नमेंट को ये मालूम था कि इनका पैसा या इनके हस्बैंड का पैसा, आज अगर इलेक्शन में लड़ता हूँ या
एमपी लोगों को भी सोचना चाहिए कि मुझको न केवल मेरे एसेट का हिसाब देना पड़ता है बट हमको अपने स्पाउस का भी देना पड़ता है कि उसके पास कहाँ कहाँ पैसे लगे हुए हैं, बताइएगा अगर मैं गलत हूँ आपको तो जानते हैं, तो वो क्या इसने अगर नहीं डिस्क्लोज किया तो दैट इज सफिशिएंट ग्राउंड टू डिसमिस अगर ये सिंसियर हैं, क्योंकि तो शी हैज कम आउट एज अ मोल और अ स्लीपर सेल ऑफ अडानी और सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, सबसे हाईएस्ट पद के आदमी, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के प्रमोटर के साथ अगर लिंक हो तो इससे बड़ा खराब ये नहीं हो सकता। और एक बात लोगों ने नहीं बताई, ये 2022 में दो बार अडानी इनके चेंबर में गए मिलने, क्या मिलने गए, क्या ब्लैकमेल करने गए थे या क्या करने गए थे कि भाई हमको तुम्हारा ये सारा नॉलेज है, अगर आप उनका जैसे हिंडनबर्ग मेहनत करके निकाल रहा है तो अडानी को तो बहुत पहले से मालूम है, अपॉइंटमेंट के पहले से मालूम है कि इनका पैसा मेरे एक सब्सिडरी के सब्सिडरी के सब्सिडरी, वो जो उसको लेयरिंग कहते हैं ना, चार देश से वो घुमा फिरा के आपने एक फंड में वहां लगाया हुआ है, तो वो तो उनको मालूम था। तो इनकी वल्नरेबिलिटी तो देखिए, वी कैनॉट हैव अ रेगुलेटर लाइक हर, ईदर शी रिजाइंस और द गवर्नमेंट किक्स हर आउट और एट द वर्स्ट, अभी चंदा कोचर को निकाला ना, आरबीआई थे थी वहां पे, जब चंदा कोचर के हस्बैंड ने गड़बड़ किया पता किया तो आरबीआई ने कहा ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटर के ऊपर कोई नहीं है ना, तो गवर्नमेंट को या जेपीसी को, कोर्ट में पीआईएल होगी लेकिन जो ढर्रा चल रहा है वो पीआईएल में भी ज्यादा सुनवाई नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि आपको कोर्ट से भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है? मैं बहुत सारे कोर्ट गया हुआ हूँ जहाँ हमको लगता है उम्मीद, आज ही हमसे किसी ने पूछा कि भाई कैसा केस करें, कि नया करें, कि आइए करें, कि रिव्यू पिटीशन में जाएं, तो हमने जो था उनको बताया कि भाई इस तरह से करिए, वो बाद में उसमें काम भी करेंगे, लेकिन आप उम्मीद ये रखिए। देखिए पैसे वालों के खिलाफ आप जितना लड़ेंगे ना तब आप रियलाइज करेंगे, परंजॉय ठाकुर था मेरे दोस्त हैं, माने उनकी क्या है, माने वो बेचारे पैसा मांग मांग के अपना जर्नलिज्म चलाते हैं और उस आदमी के ऊपर सैकड़ों करोड़ का उसने डिफामेशन केस कर दिया, अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं, नहीं तो क्या मजाल के कोई जर्नलिस्ट इनके हिंडनबर्ग के इरा के पहले किसी जर्नलिस्ट की हिम्मत नहीं थी, मजाल नहीं थी कि कुछ लिख दे और उसके ऊपर वो 100 करोड़ का डिफामेशन केस कहां, वही गुजरात में करेगा, गुजराती अलग और कहीं नहीं, उनको गुजराती दिखता है, गुजरात के कोर्ट और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, गुजरात मॉडल, वहां का एक एक चीज जो है वो निराला है, तो आप उम्मीद मत रखिए। अगर मैं ये कह रहा हूं तो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, और वो यही कहेंगे कि देखिए साहब हम तो क्लीन थे, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर लेगी, देखिए क्या होता है आगे।